फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्यूटी टिप्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी हाथों पैरों को गोरा करने का एक आसान सा घरेलू तरीका, जो बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। अगर आप इसको लगाएंगी तो एक बार में ही आपके काले हाथ पैर जो है अच्छी तरह से गोरे और चिट्टे हो जाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके लिए हमें लेमन लेना है। तो आपको आधे नींबू का रस अच्छी तरह से निकाल लेना है, खूब जूसी वाला नींबू लीजिएगा। नींबू में विटामिन सी होता है, जो नेचुरली हमारी स्किन को ब्लीच करता है। तो इस तरीके से हम आधे लेमन का जूस ले लेंगे। उसके बाद में सेकंड आपको इसमें लेना है टोमेटो, और टोमेटो को इस तरीके से दबा दबा करके हम इसका जूस निकाल लेंगे। तो आधे टमाटर का जूस हमें इसमें लेना है। टमाटर का जूस भी जो है बहुत ही तेजी से हमारी स्किन को वाइटनिंग करता है, यानी कि स्किन को गोरा बनाता है। इसके बाद में हम इसमें लेने वाले हैं एक चम्मच हम बेसन लेंगे, यानी कि ग्राम फ्लोर। इसके बाद में आपको लेना है, बाद में हमें लेना है इनू। इनू को पैकेट को मैंने कट कर लिया है, तो सारा हम इनू इसमें से एक पाउच का इसमें डाल लेंगे एक बार में। और ये बहुत ही अच्छा क्लींजर तैयार हो गया है, हमारे हाथों पैरों की मैल को इस तरीके से फुला देगा। बहुत ही अच्छे से आपके स्किन जो है चमकने लगेगी, डेड स्किन जितनी भी है सारी खत्म हो जाएगी और हाथ पैर गोरे चिट्टे नजर आने लगेंगे। तो इस तरीके से इस पैक को बना करके तैयार कर लीजिए और इसको आप 15 मिनट के लिए अपने हाथों पैरों पर लगा करके छोड़ दीजिए। 15 मिनट जब हो जाए तब अपने हाथों पैरों को सादा पानी से धोकर वॉश कर लीजिएगा। ऐसा करने से हफ्ते में 2 से 3 बार में ही आपके काले हाथ पैर गोरे नजर आने